और अब रुक करेंगे आज की एक और बड़ी खबर का। अपनी पत्नी की हत्या के मामले में निचली अदालत से उम्र कैद की सजा पाए पूर्व टीवी एंकर सुहेब इल्यासी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। एक और बड़ी खबर है ये, पूर्व टीवी एंकर सुहेब इल्यासी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुहेब इल्यासी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। निचली अदालत कड़कड़ूमा कोर्ट ने दोषी पाया था अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। सुहेब इल्यासी पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। उनकी पत्नी अंजू की बहन ने सुहेब इल्यासी पर केस दायर किया था। हम आपको बता दें, टीवी के पहले क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड के होस्ट रहे हैं सुहेब इल्यासी, उसी से चर्चा में आए। 10 जनवरी 2000 को पत्नी अंजू की हत्या हुई थी। पत्नी की हत्या के आरोप में सुहेब को उम्र कैद हुई थी और दिल्ली के कड़कड़ूमा कोर्ट ने इस मामले में अंजू के पति सुहेब इल्यासी को हत्या में लिप्त पाया था। लेकिन आज बड़ी राहत सुहेब इल्यासी को मिल गई है दिल्ली हाईकोर्ट से। सुहेब ने पत्नी की हत्या को सुइसाइड कहा था। पत्नी की हत्या के बाद सुहेब का क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड भी बंद हो गया था। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है सुहेब इल्यासी को, और बरी करते हुए क्या कहा? जी, फिलहाल जो दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना आदेश दिया है उसमें यही कहा है कि सुहेब इल्यासी की जो अपील है उसको स्वीकार किया जा रहा है। और सुहेब इल्यासी ने कड़कड़ूमा कोर्ट ने जो पिछले साल दिसंबर 2017 में जो अपना आदेश दिया था उसको जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने गलत ठहरा दिया है। और फिलहाल अगर हम बात करते हैं सुहेब इल्यासी की, तो सुहेब इल्यासी ने दिल्ली हाईकोर्ट में ये कहते हुए याचिका दायर की थी कि कड़कड़ूमा कोर्ट ने जो उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है वो गलत है, क्योंकि इस मामले में जो सबूत और गवाह हैं वो ऐसे नहीं है जो ये साबित करते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की थी। तो सुहेब इल्यासी की जो वकीलों की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने सही माना है, और इसी वजह से कड़कड़ूमा कोर्ट ने जो उनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी उसको गलत ठहराते हुए उनको बरी कर दिया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।